और इसी चीज को मैंने डेवलप होते हुए देखा। यूथ कांग्रेस में कभी कभी राजीव जवान था तो कभी कभी कुछ इमेच्योरिटी से कर देता था, मगर आस्ते 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 वो जो इमेच्योरिटी थी वो धुल गई। और जब मैंने आपके पापा को, आपके पति को, आपके बेटे को पार्लियामेंट में देखा तो एक नया राजीव पैदा हो गया। और मैंने सबको कहा, राजीव को पहले मैंने नहीं कहा, मतलब मैंने बाकी सब लोगों को कहा कि ये जो है ना लड़का, आपका जो पापा है, ये अब कुछ ना कुछ करके दिखाएगा। एक दिन पार्लियामेंट हाउस में तितली कड़ी धूप थी, हम सब खड़े थे, 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट नारे लगा रहे थे गांधी जी की स्टैचू के पास, और मैं देख रहा था 40-45 मिनट आपके पापा ने एक सेकंड रेस्ट नहीं ली, एक सेकंड रेस्ट नहीं ली। उसके बाद हम पार्लियामेंट के अंदर गए, मैंने राजीव को पीछे से ऐसे हाथ रखा और कहा, तुमने 45 मिनट बिना रुके नारे लगाए। राजीव ने कहा, मेरा काम है इन लोगों से लड़ना, मेरा काम है। पार्लियामेंट हाउस में वेणुगोपाल जी ने कहा, हम 40-45 थे, और जब वेणुगोपाल जी कह रहे थे, मैं सोच रहा था प्रज्ञा जी आपके पति के बारे में कि नहीं, हम 45 नहीं थे, क्योंकि राजीव एक व्यक्ति का काम नहीं करता था। राजीव कम से कम 5, 7, 10 व्यक्तियों का काम करता था। और मैं देखता था वहां पे, कभी कभी उसकी ह्यूमिलिएशन हो जाती थी, कोई कुछ गलत बोल देता था आपके पापा के बारे में, आपके बेटे के बारे में, होता है राजनीति में। मगर अगर मैंने उसको कहा कि देखिए आपके बारे में किसी ने ये बोला, राजीव उसकी बुराई कभी नहीं करता था। आमतौर से क्या होता है पुष्कराज, जब राजनीति में नेता आगे बढ़ता है तो उसका घमंड बढ़ता जाता है, जितना वो पावरफुल होता है उतना उसका घमंड बढ़ता है। आपके पापा की स्ट्रेंथ थी कि जितना वो आगे बढ़ रहे थे उतनी उनमें ह्यूमिलिटी बढ़ती जा रही थी। तो आप सबको, पूरे परिवार को गर्व होना चाहिए। रजनी जी, आपको गर्व होना चाहिए कि आपने इस दुनिया को, इस पार्टी को, हम सबको राजीव जैसा एक सिपाही दिया। प्रगना जी, मैं जानता हूं कि आपको और आपके छोटे बच्चों को, पुष्टराज और तितली को, बहुत घबराहट होगी, डर लग रहा होगा कि अब आने वाले समय में क्या करेंगे, हमारा जो, हमारी जो स्ट्रेंथ थी वो नहीं रही। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका दूसरा भी परिवार है, और ये परिवार पत्थर जैसे आप चारों के साथ खड़ा है, और आपको किसी चीज की से घबराने की जरूरत नहीं है। राजीव हमारा था,
महाराष्ट्र कांग्रेस का था और आपका था। मैं सोचूं तो भरोसा नहीं कर सकता हूं कि मेरा दोस्त, मेरा कॉलीग आज नहीं है। प्रियंका ने कहा, गुलाम नबी जी ने कहा कि एक्सेप्ट ही नहीं हो रहा है। और मैंने भी, सच बताऊं तो मैंने सोचा था कि राजीव निकल आएगा, मैंने भी डॉक्टरों से बात की, मैसेज भेजे, जवाब आते गए, और मुझे भी भरोसा नहीं हो रहा है। तो दुख का दिन है, हम राजीव को याद करते हैं और जो रास्ता उन्होंने कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, यूथ कांग्रेस एनएसयूआई के लड़के लड़कियों को दिखाया, उस पर हम चलेंगे और राजीव के परिवार की हम रक्षा करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कांग्रेस पार्टी के सब वरिष्ठ नेताओं का स्वागत करता हूं और रजनी जी, प्रज्ञा जी, पुष्कराज जी और तितली का भी मैं स्वागत करता हूं। ये राजीव का परिवार है। लोग इसे पार्टी कहते हैं, मगर ये सचमुच में एक परिवार है। राजीव के दो परिवार थे, एक परिवार उनकी माता, उनकी पत्नी, उनके दो बच्चे, और दूसरा परिवार कांग्रेस पार्टी के सब नेता, सब कार्यकर्ता और इस विचारधारा को जो मानते हैं देश में करोड़ों लोग, वो मैं आज राजीव के दोनों परिवारों से बात करना चाहता हूं, मगर मैं रजनी जी को, प्रज्ञा जी को और राजीव के जो दो बच्चे हैं, जो उनका भविष्य है, उनको आज एड्रेस करना चाहता हूं। मैं आपको, आप चारों को जो मैंने राजीव में देखा उसके बारे में आप चारों को बताना चाहता हूं। आपने राजीव को देखा, और रजनी जी आपने राजीव कांग्रेस पार्टी को दिया। अगर अगर किसी ने कुछ खोया है तो सबसे ज्यादा आपने खोया है, प्रज्ञा जी, पुष्कराज और तितली जी ने खोया है, उसके बाद हम सब ने खोया है। पहली बार मैं राजीव से, और मैं खासतौर से राजीव के बच्चों को कह रहा हूं,
पहली बार मैं आपके पापा से 10-15 साल पहले मिला। उस समय हमारा एक टैलेंट हंट हुआ और टैलेंट हंट में देश के अलग अलग कोने से यूथ कांग्रेस के हमारे डायनामिक जो लड़के थे, प्रियंका तुम कहते छाजा सुनो, डायनामिक जो लड़के थे वो सब आए। और मुझे याद है अभी भी मैं उस इमेज को देख सकता हूं, 7-8 लड़के बैठे थे, लड़के लड़कियां बैठी थी और उनमें राजीव भी बैठा था। पहली बार मैंने उसको उस दिन देखा और मैंने अकेले भी उसके बाद में उनसे मिला और मैंने 2-3 चीजें राजीव के बारे में उस समय देखी। उस समय वो एक प्रकार से उसके एक झलक दिखी और आस्ते 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 वो चीजें बाहर आनी शुरू हुई। पहली बात मैंने देखी, मैंने सबको जब मैं अकेले मिला मैंने कोशिश की कि मैं राजीव से और बाकी लोगों से मैंने कोशिश की कि मैं राजीव से किसी की बुराई कराऊं, चेक करूं। तो मैंने राजीव से पूछा, देखिए मैं सीधी बात बताता हूं, नॉर्मली जब आप राजनेता के साथ अकेले बैठते हो आप कहते हो कि भैया देखो सबसे अच्छा कौन है, एकदम वो आपको कहता है मैं हूं। तो मैंने राजीव को कमरे में मैं बैठा, मैंने 7-8 लोगों के बारे में मैंने पूछा, राजीव इनमें से सबसे अच्छा कौन है? राजीव ने किसी और का नाम लिया, अपना नाम नहीं लिया। मैंने कहा ठीक है दूसरे नंबर पे कौन है? दूसरे लड़के का नाम लिया। मैंने कहा ठीक है तीसरे नंबर पे कौन है? तीसरे नंबर का नाम लिया। राजीव ने अपना नाम नहीं लिया। मैंने यूथ कांग्रेस में राजीव को काम करते हुए देखा, कभी भी मैंने राजीव को किसी की बुराई करते हुए नहीं सुना। और जब हमने वो मीटिंग की पुष्कराज तितली, आपके पापा में एक चमक सी थी। 7-8 लोग थे, सब कैपेबल लोग थे, मगर आपके पापा में चमक थी। किस चीज की चमक? जो आमतौर से राजनेताओं में नहीं होती है। ह्यूमिलिटी की चमक और सच्चाई की चमक।